नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के द्वारा बिलासपुर के महत्वाकांक्षी परियोजना शिवघाट में इन दिनों ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करने का नया तरीका निकाल लिया गया है। यहाँ पर कट ऑफ वॉल के द्वारा जो बैराज बनाना था उसकी जगह अधिकारियों ने ठेकेदार सुनील अग्रवाल को करोड़ों का फायदा पहुंचाने और शासन का करोड़ों का नुकसान करने के लिए डायफ्राम वॉल के द्वारा बैराज बनाना शुरू कर दिया है, जिस डायफ्राम वॉल का न ही कोई टेंडर हुआ है और न ही शासन से आज तक कोई अनुमति प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं इस पर बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा आनन फानन में बिना टेंडर किए ठेकेदार सुनील अग्रवाल को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए डायफ्राम वॉल के द्वारा बैराज का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। शिवघाट बैराज में मुख्य अभियंता अजय सोमावार एवं फील्ड स्टाफ ने नियमों का पालन न कर कट ऑफ के स्थान पर डायफ्राम वॉल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि कार्य नियमावली के अनुसार इसमें पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर दोबारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर टेंडर किया जाना था। ठेकेदार सुनील अग्रवाल के इशारे पर काम करने वाले जल संसाधन विभाग के यह अधिकारी आज तक यह नहीं बता पा रहे हैं कि टेंडर कितने का हुआ और शिवघाट बैराज की लागत क्या। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति बगैर जो डायफ्राम वॉल 13 मीटर तक जमीन के अंदर डाला जाना था वह मात्र 6 या 7 मीटर ही डाला जा रहा है और आज तक शासन से किसी भी प्रकार की कोई डायफ्राम वालों डालने की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदार सुनील अग्रवाल के दुस्साहस का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से उसका जिस काम के लिए टेंडर लगा हुआ है और यदि उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए कि जो पहले टेंडर है वो निरस्त होने चाहिए और टेंडर निरस्त होने के बाद में जब उसके दूसरे टेंडर काल की आवश्यकता है और नए टेंडर के हिसाब से उसके स्वीकृति मिलने के बाद में उसके काम शुरू होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा उसको अपने मन से परिवर्तन करना और बिना टेंडर लगाए उसको केवल प्रस्ताव भेज के उसको परिवर्तित करना, मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इसलिए उसके उचित जांच की आवश्यकता है। क्या अधिकारी को इतना अधिकार है और पावर है उनको कि बिना शासन के स्वीकृति के और उसमें परिवर्तन करने के बाद में टेंडर नए काल किए बिना उस पुराने टेंडर पर ही उसको काम को शुरू करना, मुझे लगता है सर्वोच्च अनुचित है। इसलिए उसके पूरी जांच की आवश्यकता है और जांच करने के बाद में ही उस काम को रोक करके आगे क्या उसकी अद्यतन स्थिति बनेगी उसके बाद में उसमें कार्यवाही और काम शुरू होनी चाहिए। मैं प्रियंका मिश्रा आम आदमी पार्टी से 4 दिन पहले मैं बिलासपुर गई थी और मैंने वहाँ से एक लाइव प्रोग्राम भी किया था अपना कि जो बिलासपुर में भ्रष्टाचार चल रहा है शिवघाट में वो चरम पर है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर सरकार के 4-5 जिम्मेदार अधिकारियों को होने का है, वहाँ पर वो कोई अधिकारी नहीं मिले, सब नदारद मिले। 4 घंटे बैठने के बाद कंटिन्यू मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई SDO फ़ोन नहीं उठा रहा है। और जब हमने कहा कि भाई हमें अजय सोमावार जी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूँ, तो वहाँ पर एक ठाकुर जी थे, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, उन्होंने कहा हम नंबर नहीं देंगे। मैं जब बिलासपुर पहुंची, मैं उस पूरे साइट पर पहुंची तो मैंने ये देखा और पाया कि जो इनके नक्शे बने हुए हैं, जो डिज़ाइन है, उसमें ये कि डायफ्राम वॉल जो है उसको 13 मीटर डालना है, लेकिन मौजूदा हालत में मुश्किल से 4 से 5 फीट डाला जा रहा है, मीटर डाला जा रहा है। अगर बताइए अगर कल ये टूट गया और पूरे बिलासपुर में पानी भर गया तो जवाबदेही किस पर होगी? क्यों? क्योंकि टेंडर तो निकला नहीं है, सरकारी अनुमति इनको मिली नहीं है, तो ये किसकी अनुमति से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये तो बहुत सोचने का विषय है।
कि किसी को कोई संज्ञान में नहीं। अच्छा, मैंने एक न्यूज चैनल में सुना है कि अजय सोमावार ने जो मुख्य अभियंता है वो कहते हैं मुझे मालूम भी नहीं, मैंने प्रस्ताव तो भेज दिया है। अरे प्रस्ताव तो बहुत भेजे जाते हैं, उसमें स्वीकृति आए उसके बाद अगर काम हो रहा है तो ठीक है, जब आपने प्रस्ताव भेजा उसकी स्वीकृति नहीं आई तो थोड़ा रुक जाते, इतनी क्या जल्दी थी। अच्छा, इनको ये जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी भ्रष्टाचार कर लूं, 15 जून के बाद मानसून आ जाएगा, पानी भर जाएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो चलो इससे जितना लूट कपोट कर सकते हैं करके निकल लो, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, ये काम को रुकना होगा और इसकी हम जांच करवा के मानेंगे। और जेल बिना भिजवाए आम आदमी पार्टी की, मैं पूरी जवाबदारी साथ कहती हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मानूंगी नहीं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का घोर विरोध करती है और आज हमारे मौलिक जो हमारे सिद्धांत है, अगर हम उस काम को उजागर करें और ये लोग हमें डराएंगे धमकाएंगे तो FIR इनके नाम पर भी की जाएगी। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, चाहे ठेकेदार सुनील अग्रवाल जी हूँ, चाहे अजय सोमावार जी हूँ, मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं है और ये काम को सही तरीके से करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैं मुख्य सचिव पर भी शिकायत के पास भी शिकायत लेके जाऊंगी, DGP के पास भी जाऊंगी, आर्थिक अपराध के संस्थान में भी लेके जाऊंगी, राज्यपाल से भी मिलूंगी, जल संसाधन विभाग को भी आवेदन करूंगी, राष्ट्रपति को भी करूंगी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के पास भी मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी इस तरह की घोर जो भ्रष्टाचार इन्होंने मचा के रखा है। शैलेश पांडे जो विधायक हैं बिलासपुर में, और उनको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उन्होंने जब शिक्षा का मंदिर ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बेचा है, तब इनके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, इनके बारे में एक दिन अलग से बात करेंगे। आज यही है कि इनकी भी साठगांठ है इस ठेकेदार के साथ, सुनील अग्रवाल के साथ, सभी प्रमुख अभियंता हों, मुख्य अभियंता हों, SDO हों, सब मिले हुए हैं इसमें, विधायक भी मिले हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और आया और ये चुप बैठ गए। और इनकी जो है ना कि साचार है कि मैं जनता के टैक्स के पैसों से सारा भ्रष्टाचार मचा लूँ, अपनी तिजोरियाँ भर लूँ, तो वो मैं होने नहीं दूंगी और बिना जेल भेजे मानूंगी नहीं। मैं अनु अरुण सिंह आम आदमी पार्टी से हूँ और अभी कुछ दिन पहले करीब हम लोग 4-5 दिनों से एक न्यूज फॉलो कर रहे हैं जो बिलासपुर में अरपा नदी है पे एनीकेट बनाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है। उसको देखने जांचने परखने के लिए अभी 2 दिन पहले हम बिलासपुर गए थे, वहाँ जाने पे हमने ये रियलाइज किया ना कि वाकई जो न्यूज़ में है वो 100% सही है। अभी अब मेरे को ये देखना है कि वहाँ की जनता से लेकर के विधायक हो गए, अग्रवाल जी हो गए, ये लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं, क्या उनको ये नहीं दिख रही है आने वाले समय में इससे किसको नुकसान होने वाला है। कल को अगर एनीकेट टूटता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रही है, क्या भाजपा नेताओं को हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को होगी, नहीं, ये बिलासपुर की जनता भुगतेगी। इसमें बिना शासन के अनुमति का अभी तक प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ है, बिना प्रस्ताव पास के ये काम की शुरुआत कैसे हो गई है, और काम की शुरुआत भी हुई है तो जहाँ पे जो चीज़ लगाना है वो नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि डायफ्राम वाल जो है वो वहाँ पे क्या मतलब 13 मीटर की गहराई तक जानी थी, जिसको देखने से तो ऐसा लगता है कि 4-5 मीटर तक की गहराई पे जा रही है, इन सब चीज़ों की जांच क्यों नहीं हो रही है। मैं तो इसमें बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये एक बहुत बड़ी बात भी हो जा रही है हमारे लिए कि इसमें भाजपा कांग्रेस बड़े अधिकारियों और ठेकेदार सबकी मिली भगत है कहीं ना कहीं, तभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समय रहते ठेका कैसे दे दिया गया इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो ये थी जल संसाधन विभाग से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।